मोदी सर ने मामले में कोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है, जिसके बाद इस मसले को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस पूरे देश में मौन सत्याग्रह कर रही है। एआईसीसी ने राहुल गांधी के प्रति समर्थन और एकजुटता दिखाने के लिए ये मौन सत्याग्रह रखा है। वहीं रायपुर के ऐतिहासिक गांधी मैदान में प्रदेश के तमाम नेता इस सत्याग्रह में शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत सत्ता और संगठन के कई बड़े चेहरों ने एक साथ मौन रहकर विरोध जताया। यहां महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सुबह 10 बजे से प्रदर्शन शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे समाप्त हुआ। वहीं इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी के समर्थन में धरना देना देश की न्याय व्यवस्था का अपमान है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज पूरे देश में प्रदेश मुख्यालयों में एक दिवसीय मौन धरना का आयोजन किया गया था, सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। लोकतंत्र के को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जो जनता की आवाज बुलंद करने वाले लोगों की आवाज बंद करने की बात हो रही है। राहुल जी की सदस्यता जिस प्रकार से रद्द की गई है और जिस प्रकार से उसके निवास को खाली करा गया है, और इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये मौन सत्याग्रह का आयोजन